ससुराल सिमर का 2 में आप देखेंगे कि जहां रीमा सिमर के खिचड़े जला देती है, वहीं सब मेहमान कहते हैं कि लगता है आज यहां खाना नहीं मिलेगा। फिर वहीं संध्या किचन में जाती है और कहती है कि अभी तक खाना क्यों नहीं लगा है, तो वह दीदी कहती है कि खिचड़ी जल गई है। वहीं संध्या ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि खिचड़ी कैसे जल गई है, इसलिए मैंने कहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं थी। संध्या कहती है कि अब हम मेहमानों को क्या खिलाएंगे, तो सिमर कहती है कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं दोबारा खिचड़ी बना दूंगी। संध्या कहती है कि 7 अन्न की खिचड़ी कोई 5 मिनट में नहीं बन जाती है। वहीं रोमा भी आ जाती है, फिर सिमर और रोमा मिलकर जली हुई खिचड़ी को दोबारा ठीक कर देते हैं। वहीं रोमा कहती है कि खिचड़ी में से जलने की स्मेल अभी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो संध्या सिमर की मदद करती है और खिचड़ी में हींग का तड़का लगाती है और खिचड़ी बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो जाती है। वहीं सिमर संध्या को थैंक यू बोलती है और संध्या से आशीर्वाद भी लेती है। वहीं संध्या भी सिमर को आशीर्वाद दे देती है और संध्या की सिमर के लिए नाराजगी भी खत्म हो जाती है। बालक देखते हैं कि संध्या की तरह क्या बाकी घर वालों की भी नाराजगी खत्म होती है या नहीं। सो अपकमिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।